अच्छा एक चीज आपको बता दूं कि मेरे को ना सबसे ज्यादा पसंद है शकरकंद किसमें, दूध में डाल के खाने में। फिलहाल तो अभी दूध नहीं है, अभी नमक डाल के खाऊंगा, देखता हूं कैसा लगता है। देख लो ये वाली मुझे पसंद आई जो फाइनली पड़ रही है ये मेरे। तो गाइस फाइनली आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ दिल्ली के करोल बाग मार्केट पे। तो आज मैं यहाँ पे जानूंगा कि कितना सस्ता और अच्छा जूता, कितना सस्ता और अच्छा कपड़े, कितना सस्ता और अच्छा बैग, यहाँ पे कितनी सस्ती और अच्छी पैंट मिलेगी। तो पूरी जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और इसके साथ साथ ये भी बताऊँगा कि आप किस तरीके से करोल बाग मार्केट जा सकते हो, क्या ऑटो चार्ज लगेगा, क्या टेम्पो चार्ज लगेगा और किस तरीके से जा सकते हो। पूरा रास्ता बताते हैं आप लोगों को। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फाइनली आज मेरी एक नई सुबह हो चुकी है दिल्ली की। तो आज हम लोग जा रहे हैं करोल बाग, जो कि हम लोगों ने रूम लिया हुआ है यहाँ पर पहाड़गंज में रूम लिया है। तो हमारे को मात्र 1200 रुपये में 24 घंटे का रूम पड़ा है। वो रूम भी आपको दिखा दूँगा मैं खैर वीडियो में। पर अभी हम लोग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर करोल बाग जा रहे हैं। तो इन्होंने ई रिक्शे वाले मिले भैया, इन्होंने 50 रुपये लिए, पर ऑटो वाला था वो कह रहा था 80 रुपये। खैर मेरा तो कहना ये कि अगर आप लोग दिल्ली घूम रहे हो ना तो ई रिक्शे में घूमोगे ना तो आपको पूरा दिल्ली का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो कैमरा घुमा के नज़ारा आपको दिखाते हैं। देखो ये दिल्ली का है करोल बाग एरिया, आप देख सकते हैं। यहाँ से 10-20 रुपये वाला चाहे तो आप 10-20 रुपये वाला टेम्पो मिलता है वो भी पकड़ सकते हैं, जो आपको करोल बाग मेट्रो स्टेशन छोड़ देगा। पर अगर आप खुद का करके जाना चाहें तो खुद का पर्सनल भी करके जा सकते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर रूम लिया हुआ है ये एरिया। ये नाम क्या है इस मार्ग का? पहाड़गंज एरिया देख सकते हो। तो गाइस फाइनली आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग पहाड़गंज आओगे ना तो पहाड़गंज में आपको हर तरीके के रूम मिलते हैं। खास करके टूरिस्ट जो आते हैं ना तो पहाड़गंज में रूम लेते हैं। तो यहाँ पे 500 से स्टार्ट हो जाता है, 1000, 1500, 2000, 4000 जैसा आपको रूम चाहिए वैसा मिलता है। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं करोल बाग में। तो अब आप लोगों को यहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे कपड़े का मार्केट है खास करके, और भी सामान यहाँ मिलते हैं। तो चलो कैमरा घुमाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा क्या नज़ारा है और क्या क्या सस्ता और अच्छा सामान यहाँ पर मिलता है। वैसे तो आपको बता दूं कि यहाँ करोल बाग में बहुत सारे मार्केट है, मतलब सॉरी करोल बाग क्या, दिल्ली में बहुत सारे मार्केट है। आप सरोजनी नगर जा सकते हो, लाजपत नगर जा सकते हो और आप पालिका बाज़ार भी जा सकते हो। बहुत सारे मार्केट हैं यहाँ पे, चोर बाज़ार भी जा सकते हो, पर हम लोगों ने चुना भी करोल बाग। तो चलो चलते हैं करोल बाग घुमाते हैं और आपको थोड़ा देखते हैं शॉपिंग क्या क्या मिलता है यहाँ पर। और एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को गाइस कि आप लोग जब करोल बाग मार्केट पर आएंगे ना तो कपड़े के साथ साथ यहाँ पर आप कुछ खा पी भी सकते हैं। ये देखो क्या खा रहा था निश, देखते क्या बना रहे। मिक्स फ्रूट, ये मिक्स फ्रूट है मिक्स सब्जी है, मतलब सब्जी है फ्रूट दोनों मिक्स है। मिक्स है 30 रुपए का है, देख लो इतना बड़ा, 20 का भी है 30 का भी है। ये देख सकते हो 20 रुपए का इतना, 30 का इतना बड़ा, इतना बड़ा देख सकते हो। गाय हम लोग करोल बाग में घूम रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सस्ते और अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। 500 रुपये की पैंट भी मिल जाती है तो 300 रुपये की शर्ट भी मिल जाती है। किसी दुकान पर रुकेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। मैं यहाँ पर जैकेट पसंद आ रही, जैकेट देख के देखता हूँ। तो देख सकते हो ये वाली मेरे को पसंद आई है, एक मेरे दोस्त को ये वाली पसंद आई है जो कि 600 रुपये लगा रहे हैं। 500 रुपये तक अगर आप बोलोगे तो दे देंगे। देख लो ये वाली मुझे पसंद आई जो फाइनली पड़ रही है ये मेरे को, कितने बता रहे? 450 नहीं 400 में दे देंगे शायद भैया, 400 में कर लोगे ना पैसे दे। ये देखो 400 रुपये में, ये करोल बाग में। और संडे के दिन जो मार्केट लगता है वो अलग है, जो संडे के दिन लगता है मार्केट वो अलग है। ये नॉन संडे के दिन की है, देख सकते हो कैसा लग रहा है, सही है। पीछे से घुमा के दिखा, 400 में 350 की जाती। कौन सा वाला पीछे जाती? 150 दिखाना। ये देखो यहाँ पे ये घड़ी मेरे को समझ में आई है, कितने की बता रहे? 350 फाइनल क्या लगाओगे इसका? पसंद आ रही है नहीं। करोल बाग में आप आओगे तो मात्र आपको कितने में? 150 रुपये में देखो इतनी शानदार घड़ी मिल जाएगी। तो और ये भाई का नाम क्या आपका? राहुल भाई हमारे को मिल जाएंगे आप लोगों को। कभी भी यहाँ पर आओगे तो मात्र 150 रुपये में घड़ी देंगे, ठीक है भाई शुक्रिया। ये देख लो भाई यहाँ पे
एक वो 350 की जो दे रहा था ना जैकेट जो दिखाई मैंने, वो 200 में दे देगा। थैंक यू सो मच। कितने का भैया ये? 400 का। देख सकते हो ग्लासेस भी मिल जाएंगे भाई। बैग क्या लगा रहे हो इसका? बैग का ये? हाँ कौन सी ले? ये वाला कितने का है? 650। और अगर कम ज्यादा करवाना चाहो तो कितने का है? ना कम ज्यादा वाला। ये कितने का है? लेदर वाली। कितने रुपए की? 300 रुपए का दिखाना। एक नंबर, बहुत मस्त है। नहीं ये देखो, ये वाला मुझे पसंद आया, पर ये भाई दे नहीं रहा यार। 200 में दे दो यार, अगर दो तो भाई नहीं, एक ही दाम है फिक्स। 200 में ना स्वेटर तो नहीं मिलेगा, बनियान मिल जाएगा। क्या आवाज है, सही कह रहा हूँ। ठीक है फाइन, मतलब 300 में तो दे ही दोगे यार, कस्टमर कोई आए तो हमारा। 300 में तो दे दोगे ना? 300 में मैं तो आपको प्रचार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये देखो यहाँ पे 300 रुपये में दे रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी ऊटी है, सस्ती भी है और अच्छी भी है। आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे आप लोग जब रास्ते में चलेंगे ना तो ऐसे। कितने रुपये गिलास है ये? हमारा साइड बैग भी मिल जा रहा है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे संडे के दिन फुटपाथ बाजार लगता है, बाकी आज के दिन आप देख सकते हो। आज कौन सा दिन है? सोमवार या मंगलवार या। ये देखो ये पूरा करोल बाग है, काफी शानदार लगता है। यहाँ पे आपको कपड़े बहुत शानदार मिलेंगे, पर रेटिंग का पता नहीं। शनिवार है आज जो फुटपाथ बाजार लगता है, कितने बजे? मतलब कौन से दिन लगता है यहाँ पर? सोमवार को लगता है फुटपाथ बाजार, और बाकी 6 दिन पूरा यही लगता है। ओके ठीक है भाई। सोमवार के दिन फुटपाथ बाजार लगता है यहाँ पर, जिसमें आपको चोर मार्केट भी कह सकते हो। मतलब सस्ते अच्छे कपड़े, सस्ते और अच्छे कुछ भी चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या बोलते हैं, करोल बाग मार्केट में, जहाँ पे हमें मिले शकरकंद। तो 20 वाला भी बनाते, 30 वाला भी बनाते, और कितने वाला बनाते भाई? 50 वाला भी। तो शकरकंद अभी देखते हैं कैसे बनाते हैं और खाएंगे और बताएंगे। देखिए मुझे शकरकंद बहुत पसंद है। एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरे को ना सबसे ज़्यादा पसंद है शकरकंद किस में? दूध में डाल के खाने में। फिलहाल तो अभी दूध नहीं है, अभी नमक में डाल के खाऊंगा। ये तो नींबू नहीं खाता है यार मैं। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करके। हमको दोनों मालूम है, इसमें नींबू भी डलता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आपको शकरकंद मिलेगी नींबू डाल के और नमक डाल के, जो भी मतलब मसाला डाल के। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, ये देख रहे हो आप? ये क्या है? ये दिखाने के लिए रखा है इन्होंने। एक चीज़ बता दूँ आपको यार, ये शकरकंद जो है ना मीठा रहता है, पर अभी पता कैसा लग रहा है? खट्टा लग रहा है, उसने मीठा कम खट्टा ज़्यादा कर दिया। आ जाओ, ले नज़र लग गई, बंद कर दो। और एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि ये वाली गाड़ी भी चलती है, पर ये गाड़ी आप लोगों के लिए नहीं है, ये गाड़ी सीनियर सिटीजन के लिए है। जो सीनियर सिटीजन है मतलब अमीर लोग, उन्हीं के लिए है ना, लेडीज और अमीर लोगों के लिए।